वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से न्यूज़ चैनल पर। और आज जाने वाले हैं हम अपनी नज़दीक के जितने भी हमारे हनुमान मंदिर हैं वहाँ पर, क्योंकि आज है क्या है, आज है हनुमान जयंती। तो इसी अवसर पर हम जाने वाले हैं अपने जितने भी नज़दीक के मंदिर हैं हमारे हनुमान जी के, तो वहीं पर हम जाने वाले हैं और हम भी दर्शन करेंगे, साथ में आपको भी दर्शन कराते हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने नज़दीक के मंदिर से जो कि हमारे गली के पीछे ही है। चलिए सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने पास वाले मंदिर के पास जो कि काफ़ी अच्छा सजा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है शाम को जो है भंडारा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर शाम को भंडारा, अभी जो है प्रसाद तैयार हो रहा है, देख सकते हैं। मंदिर है हमारा सबसे पास वाला यही मंदिर का, यहाँ से शुरुआत करते हैं अपने मंदिरों की जर्नी की। और अभी जो है प्रसाद तैयार हो रहा है यहाँ पर, तो चलिए दर्शन करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लोकेशन पर। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने सेकंड मंदिर पर जो कि है राम जानकी जी का मंदिर। तो चलिए चलते हैं अभी अंदर और अंदर आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ के। चलिए चलते हैं। तो अभी आप आ चुके हैं अंदर और ये देख सकते हैं क्या मस्त सजाया हुआ है मंदिर को, और काफ़ी अच्छा मंदिर का परिसर जो है काफ़ी बड़ा है काफ़ी। और भगवानों की मूर्ति जो है यहाँ पर लगाई गई है, गणेश जी हैं, माता जी हैं और गोविंद जी हैं कई, और यहाँ पर जो है बजरंग बली की तस्वीर है, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो है सजाया गया है मंदिर को, काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपनी थर्ड लोकेशन पर जो कि नाके पर है, थोड़ी दूर है। और यहाँ पर भी जो है काफ़ी अच्छा जो है वो सजाया गया है मंदिर को, और काफ़ी ठेले लगे हुए हैं बाहर, देख सकते हैं आप। और वहाँ पर थोड़ा दूर जो है प्रसाद का वितरण किया जाएगा यहाँ पर शाम को। और चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं फिर आपको। सो गाइस, दर्शन हो चुके हैं ये, तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। तो चलिए सो गाइस, हम फिर हैं अपने नेक्स्ट मंदिर पर जो भी है हनुमान जी का मंदिर। तो चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और फिर आप। दर्शन जो है कर लिए हमने, दर्शन अच्छी तरह से हो चुके हैं और चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। आज हम आपको हमारे आसपास के सभी मंदिरों को घुमाएंगे, छोटे से लेके बड़े तक सभी मंदिरों पे आज आपको ले जा रहे हैं हम। तो उसी जर्नी में ए वाला मंदिर का फोर्थ नंबर का, तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। यहाँ भी जो है मंदिर को काफ़ी अच्छे से सजाया गया है, काफ़ी मस्त डेकोरेट किया गया है, आप देख सकते हैं पीछे, अभी बताएंगे। और ख़ास बात ये है अभी यहाँ पर जो है भंडारा स्टार्ट हो चुका है, प्रसाद मिलना जो स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप पीछे काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, प्रसाद वितरण किया जा रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं, दर्शन के बाद आपसे मिलते हैं। और एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, तो क्योंकि ऐसी जगहों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। गाइस, दर्शन जो है कर लिए, चलिए भंडारा खाते हैं और फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। तो चलिए भंडारा खाते हैं। लो भैया,
चलिए फ्रेंड्स, सभी कर लिया हमने प्रसाद ग्रहण, तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर जो कि है बाड़े पर। तो चलिए चलते हैं गाइस, हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। देख सकते गाइस, यहाँ पर जो है सुंदरकांड का पाठ चल रहा है अभी, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी सजावट की गई है, लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी करी गई है, फूलों से सजाया गया है मंदिर को काफ़ी अच्छा, वहाँ देख सकते हैं आप, और भी सजावट जो है अभी हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो है हम पहली बार आए हैं आज, और हमने भी पहली बार देखा ये मंदिर अंदर, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर जो है साईं बाबा का मंदिर बना हुआ है, और यहाँ पर जो है राधा रानी का, कृष्ण भगवान का मंदिर बना हुआ है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, देख सकते हैं आप। चलिए दर्शन करते हैं, फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन। गाइस, अच्छे से दर्शन हो चुके हैं, और यहाँ पर जो है हम पहली बार आए इस मंदिर में, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा बना हुआ है अंदर से। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही ग्वालियर की छोटी से लेकर बड़ी प्लेस तक हम आपको घुमाते रहेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मंदिर पर। काफ़ी ऐसे मंदिर थे जहाँ हम पहली बार गए थे, और जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ये भी हमने पहली बार ही विज़िट किया है यहाँ पर भी, और इधर बगल में ही जो है कथा चल रही है, तो कथा का आनंद लेते हैं अभी, और कुछ इनका प्रोग्राम है डांस वगैरह का कथा में, तो चलिए उसका आनंद उठाते हैं और इंजॉय करिए इस वीडियो को, व्यू को। तो चलिए थोड़ा सा पीछे हो जाए, आरती के लिए सभी लोग थोड़ा सा पीछे हो जाए, स्थान दे थोड़ा सा। काफी भीड़ है आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो है कथा बैठी हुई थी, तो श्रद्धालु जो है, चलिए प्रसाद मिल रहा है, इधर प्रसाद लेते हैं। यहाँ पर जो है आइसक्रीम का वितरण किया जा रहा है गाइस, देख सकते हैं आप, काफ़ी भीड़ हो चुकी है, और हमने इधर दो दो ले लिए, देख सकते दो दो ले लिए, काफ़ी भीड़ हो चुकी है। देखिए यहाँ पर जो है रुआवजा मिल रहा है, वहाँ पर आइसक्रीम, तो गर्मी का तो कोई माहौल ही नहीं है, तो देख सकते हैं गाइस काफ़ी भीड़ है पीछे, और यहाँ पर जो सभी आए थे हम नेक्स्ट लोकेशन पर अपनी आप, और यहाँ भी जो है काफ़ी अच्छा सजाया गया मंदिर को, 56 भोग जो है वो लगाया गया भगवान को, देख सकते हैं आप, और काफ़ी अच्छा सजाया गया मंदिर को, काफ़ी लाइटिंग वगैरह की गई है, देख सकते हैं आप, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा पोस्टर है। सो दर्शन काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं यहाँ के, और प्रसाद का वितरण भी किया जा रहा है, बता रहा है। तो चलिए आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। तो चलिए गाइस, अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट लोकेशन पर, काफ़ी रात हो चुकी है, और यहाँ पर जो है
खीर का वितरण किया जा रहा है और बगल में पूरी और सब्जी मिल रही है वहाँ पर। मंदिर काफ़ी अच्छा सजा हुआ है यहाँ पर भी, आप देख सकते हैं। चलिए अभी मंदिर बताते हैं आपको, फिर चलेंगे नेक्स्ट लोकेशन पर। काफ़ी रात हो चुकी है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। दर्शन कर लिए, प्रसाद ग्रहण कर लिया है और देख सकते हैं पीछे भीड़। विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया गया है। घर से काफ़ी दूर है आ चुके हैं हम, काफ़ी क्राउड में, और रात भी काफ़ी हो चुकी है। लास्ट जो मंदिर है काफ़ी अच्छा है, तो चलिए अभी दूर चलते हैं और वहाँ पर आपको मिलते हैं। तो चलिए गाइस, हम जा ही रहे थे कि बीच में हमें दिख गया ये यहाँ पर भी जो है ठंडाई बांटी जा रही है लोगों को, और काफ़ी सारे जो है आज भंडारे हैं जगह जगह। हमें अभी तक कई भंडारे अभी तक मिल चुके हैं हमें तक, और गाड़ी में काफ़ी क्राउड है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर जो कि है बाड़े पे, है तो वहाँ पर चलेंगे और वहाँ पर आपसे मिलेंगे। तो काफ़ी मस्त मंदिर है वहाँ पर भी, तो चलिए चलते हैं। अभी आ चुके हैं हम नेक्स्ट लोकेशन पर, आप देख सकते हैं। आपको पहले मंदिर दिखाते हैं, आपको वो पीछे मंदिर दिख रहा होगा। लाइटिंग बहुत है, सजा हुआ है, काफ़ी रोड पे ही है एक, और ये बाड़े पर जाने वाला रोड है जो कि रॉक्सी पुल से स्टार्ट हुआ है, और ये बाड़े पर जाने वाला रोड है। बीच में ये मंदिर है छोटा सा, तो यहाँ पर भी जो है भंडारे का आयोजन किया गया, आप देख सकते हैं पीछे। तो चलिए, काफ़ी क्राउड है, काफ़ी रात भी हो चुकी है, तो इसी के बाद एक मंदिर और है जो कि आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी मस्त है वो भाई। तो चलिए उस मंदिर पर चलेंगे भाई। यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर भी जो है काफ़ी अच्छी सजावट हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ से लेकर जो है वहाँ तक काफ़ी अच्छा सजा हुआ है यहाँ पर दरबार जी, तो वैसे यहाँ पर जो है सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, और पीछे व्यू देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। और रोड पे ही है ये मंदिर भी, आप रोड पे ही है, और बाड़े पर जाने वाला ही रोड है, बॉक्सी से बाड़े पर जाने वाला ही रोड है, बीच में ये मंदिर पड़ता है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं प्रसाद हमने ले लिया है, और अभी जो है यहाँ पर जो है जागरण वगैरह यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है अभी, और ये मंदिर अभी ये प्रसाद लिया है, अभी वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। काफ़ी अच्छा सजाया हुआ है यहाँ पर, काफ़ी लाइटिंग वगैरह रोड पे की गई है, मंदिर में भी की गई है। प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर चलेंगे एक लास्ट मंदिर पर जो कि है पहाड़े पे, तो काफ़ी अच्छा मंदिर है वो भी। चलिए अभी लेते हैं प्रसाद और फिर आपसे, काफ़ी क्राउड है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड, क्योंकि रोड पे ये क्राउड भी बहुत है। चलिए अभी प्रसाद लेते हैं, काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है प्रसाद ले लिया हमने, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, फिर भी प्रसाद ले लिया धक्का मुक्की करके, देख सकते हैं आप। तो चलिए अभी ग्रहण करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बहुत ही अच्छा और पहाड़े पर बसा हुआ एक बहुत ही मस्त मंदिर पर, वो उसमें भी लाइटिंग बहुत है, हमने देखा था उसको। तो चलिए गाइस, जहाँ हमें आना था और आपसे बता वादा किया था उस जगह पर हम आ चुके हैं, हम आ चुके हैं मेन पहाड़े पर, और पहाड़े पर काफ़ी क्राउड है अभी, देख सकते हैं। ग्वालियर को जो ग्वालियर का जो है वो हार्ट उसको कह सकते हैं, पहाड़े को पीछे का व्यू देख सकते हैं आप, और यहाँ पर भी है काफ़ी मस्त मंदिर जिसके बारे में हमने आपको बताया था पहले। तो चलिए आपको व्यू कराते हैं मंदिर का, वो भंडारे रात चल रहे हैं, एक जगह बूंदी मिल रही है और एक जगह जो है वो आलू की सब्जी और पूड़ी मिल रही है। तो देख सकते हैं मेन मार्केट है, इसलिए बहुत भीड़ है यहाँ पर। और चलिए मंदिर पर चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। Oh, 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 oh
प्रसाद के लिए, क्योंकि अभी दर्शन ही कर रहे थे, प्रसाद तो अभी दिए ही नहीं, तो लाइन में लगते हैं अभी प्रसाद लेते हैं। और काफ़ी अभी बड़ी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, काफ़ी देर में नंबर आएगा ऐसा लग रहा। तो चलिए प्रसाद जो है मिल चुका है, देख लिए। अभी हम आ चुके हैं बाड़े पर ही स्थित एक भगवान जी के मंदिर में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा सजाया गया है। इसका डेकोरेशन जो है काफ़ी भव्य तरीके का किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी श्रद्धालु जो है आ रहे हैं, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन इस मंदिर में, और आज हमने आपको कई सारे मंदिरों पर घुमाया, और हमने भी घूमा क्योंकि कई ऐसे मंदिर थे जहाँ पर हम भी पहली बार गए थे, और उसी में से ये भी एक मंदिर है। तो काफ़ी अच्छा लगा आज, और हनुमान जयंती की सभी को लख लख बधाइयाँ सभी को। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं।